हे गाइस, तो आज की वीडियो हम करेंगे Redmi Note 9 Pro का चार्जिंग टेस्ट। और मैं आपको बता दूं, इस डिवाइस में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है Redmi Note सीरीज़ में, जो कि है 5000 mAh, और साथ में Note 9 Pro Max में भी देखने को मिल जाती है। एक और चीज़ बता दूं, डिवाइस जो है फुली ड्रेन्ड है, थोड़ी बहुत बची हुई होगी बैटरी जो कि यहाँ पर डिस्प्ले में शो कर रही होगी, उसके लिए ही बचा है। बाकी यहाँ पर आप जो है इसे स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर जो स्टॉक चार्जर देखने को मिल जाता है वो 18 वाट के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाती है, और ये वाइट कलर का चार्जर मिल जाता है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, डिवाइस भी 18 वाट तक ही सपोर्ट करती है, इसके आगे का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरे चार्जर के साथ चेक करूँ तो यार ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। साथ में बता दूँ, यहाँ पर मेरे पास है दूसरा एक डिवाइस जिसमें टाइमर को हम जो है स्टार्ट करके रखेंगे, ताकि हमें इसका भी आइडिया मिलता रहे कि कितने टाइम जो है ये ले रही है चार्ज करने के लिए। और जो सबसे पहले के 5 मिनट थे वहाँ पर डिवाइस 2% तक ही चार्ज हुई है। कंसिडरिंग 5000 mAh विथ 18 वाट की चार्जिंग ठीक ठाक है। मतलब यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि Xiaomi कुछ ना कुछ लॉन्च इवेंट में एक कुछ नया कर दे चार्जिंग के साथ, लाइक 18 और 27 वाट के बीच में कुछ निकाल के दे दे तो काफ़ी अच्छा रहता एक्चुअली में। बट कोई बात नहीं, जो है सो है, अब इसी से चार्ज करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा, तो इसी को हम अभी के लिए कंसिडर कर रहे हैं। और मैं बता दूँ, यहाँ पर डिवाइस का जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा राइज नहीं किया, अराउंड अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस तक ही गया हुआ है। और मतलब इतना टाइम तो ले ही रही थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी गर्मी का समय आ गया है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी अभी तक शुरू हो गई है। और बता दो, एक और चीज़, यहाँ पर मैं बीच बीच में टाइम को जो है स्किप कर रहा था, और बीच बीच में जो कट्स भी मिले होंगे आपको, बिकॉज़ यार मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ एक स्मार्टफोन से ही रिकॉर्ड होती है, जिस वजह से जो है यहाँ पर कॉल वगैरह आती रहती है, कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं उसके लिए जो है मुझे जो है पॉज करके फिर कंटिन्यू थोड़ी देर के बाद करना होता है। बट डिवाइस जो है डेस्क पे रखी हुई चार्जिंग पे ही थी, और साथ में टाइमर भी रन कर रहा था, तो आपको साथ मैं कोई भी धोखा नहीं करूँगा। और जो भी ऑनेस्टली है आपको दिख रहा होगा, बाकी अगर आप ऐसा मानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप जब डिवाइस ख़रीदोगे तो आप जो है खुद से भी टेस्ट करोगे तो आपको सेम रिजल्ट्स ही मिलेंगे, या फिर 10 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क होगा। अब 10 मिनट का फ़र्क इसलिए हो सकता है कि आप या फिर वाईफाई से कनेक्टेड रख के अपने डिवाइस को चार्ज नहीं कर रहे होंगे, और मेरे केस में जो है मैंने सिम भी डाल के रखा है, वाईफाई अनेबल्ड है, मतलब यहाँ पर डेटा कनेक्शन में मैंने नहीं किया इस बार, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई, बट सिम डला हुआ है। टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशन है, ट्विटर जैसे एप्लीकेशन है, एक दो एप्लीकेशन इसमें भरे पड़े हैं जो कि आप यूसेज करोगे एक्चुअली में, कुछ वैसे एप्लीकेशन इसमें डले हुए हैं, तो उसका आप मुझ पर डाउट मत करना। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि चार्ज जो है फुल हो गया है 100%, 2 घंटे 30 मिनट लग गए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डेटा में शायद 10 मिनट और लग जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक और शेयर ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।